मैं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ के मेधावी छात्रों से मिले, जहां ये मुलाकात सीएम के 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास में हुए। इस दौरान सीएम ने छात्र छात्राओं से संवाद किए। सीएम ने सभी टॉपर से कहा कि लाइब्रेरी जरूर जाएं, जिससे किताबें और न्यूज़पेपर से समसामयिक घटनाओं पर अपडेट रह सकेंगे। जनपद स्तर पर भी सम्मान के कार्यक्रम होंगे, इसमें भी CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के भी परिणाम आ जाएंगे, तो उस कार्यक्रमों को एक साथ हम बढ़ाएंगे। लेकिन मेहनत किए जाने की आवश्यकता, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन परिश्रम सकारात्मक होना चाहिए और सार्थक दिशा में होना चाहिए। आप करेंगे उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। जीवन में कभी चैलेंज से घबराना, चुनौती से घबराना नहीं चाहिए, उसको बहुत तनाव मुक्त होकर के उसको फेस करने की आदत डालनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का मिशन चलाने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। तेज ब्लड प्रेशर, दिल, गुर्दा, पेट आदि बीमारियों से पीड़ित बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1572 हमारे पास सर्जन है। लगभग 3000 ऑपरेशन हम प्रतिदिन कर रहे हैं। मरीजों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद प्रदेश के अस्पतालों में उनको बेहतरीन प्रभावी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर अस्पताल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े संस्थानों और इकाइयों के द्वारा सरकार द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है। सबने हमारी मदद की, हम पूरे प्रदेश के जो स्वास्थ्य के मामले हैं, हमारे मरीज हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी सारी चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। हर स्तर पर हमारी सरकार उनके साथ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास ढेर सारा आंकड़ा अगली प्रेस में मैं आऊंगा, जिनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सहायता आर्थिक रूप से दिलवा करके उनकी मदद भी कर रहे हैं, जो गंभीर रोगी हैं, जैसे PGI में इलाज चल रहा है उनका, और अन्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका गंभीर रोगों का इलाज चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से लगभग सभी को सहायता मिले, उसकी सूची लेकर मैं फिर आऊंगा। खबर आजमगढ़ से है, जहां 69वें उप लोकसभा चुनाव को लेकर 23 जून को मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। वहीं आजमगढ़ जनपद के 5 विधानसभाओं के लिए 3 स्थानों से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। 5 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां 3 स्थान से, 2 यहाँ ITI से, 2 चंदेसर से और 1 पटुआ से, इस तरीके से 5 विधानसभा की पोलिंग पार्टियां और उनके साथ जाने वाला पुलिस बल वो रवाना होगा, और उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं अपेक्षित हैं, कार्मिकों की, वाहनों की, पुलिस बल की, ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सकुशल रवानगी कल हमारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मत्स्य संपदा योजना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 24 जून को वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। वेबिनार में योजना से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। गरीबों महिलाओं को 60% तक सब्सिडी की योजना पहुँचाई गई है, साथ ही मछुआ समाज के लोगों को रोजगार मिलेगा। कानपुर में नगर निगम की लापरवाही सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। बता दें, सड़क पर खुलेआम कूड़ा जलाया जा रहा है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य से नगर निगम के अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण से सांस के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ यह पूरा मामला है कूड़ा जलाए जाने का? जी, आप बता दें, कानपुर का जो श्याम नगर इलाका है, जो कि Zone 6 में आता है कानपुर नगर निगम के, उसमें जो है कूड़ा जलाया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और आपको पता चला, जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि जो है कानपुर में जो है किसी कानपुर के पूरे यूपी पूरे इंडिया में जो है देखा है तो कूड़ा जो है नहीं जलाया जाएगा, जिससे कूड़ा जलाने से जो निकलने वाला जो धुआं है
वो कानपुर के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य खलबड़ा कर रहा है। उपेंद्र, क्या किसी संबंधित अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई, इस पर कोई कार्यवाही करे जाने की बात कही, इसको रोके जाने की कोई बात कही गई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा? जी, आपने देखा जाए तो कानपुर महापौर जो प्रमिला पांडे है उनका साफ कहना है कि जो ये विभाग है, ये नगर निगम के नगर आयुक्त देखते हैं, नगर आयुक्त को साफ कहना है कि जो है वो चतुर श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं देखा जाए तो, जब आज प्राइम टीवी खबर ने जो सुबह जो एक खबर चलाई थी इस लेकर के आग को लेकर कूड़े जलाने को, उसके बाद जो है नगर आयुक्त ने जो है चतुर श्रेणी से कर्मचारियों को जो ऊपर है उनके ऊपर गाज गिराई है। इस पर किस तरह की कार्यवाही की जाएगी उपेंद्र? अगर देखा जाए तो अभी नगर आयुक्त का साफ कहना है कि जो है ये जो चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं उनको जो उनकी लापरवाही है और उनकी लापरवाही के बाद जो है ये कूड़ा जो है वो जलाया गया है और जिसकी सूचना जो है उनके नगर अधिकारी को नहीं थी। फिर भी देखा जाए तो कानपुर में कहीं ना कहीं जो जो कूड़ा जलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका जो निकलने वाला धुआं जो है वो धुआं लोगों का कानपुर का अस्थमा और देखा जाए तो बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। उसके बाद कानपुर से जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से जो चिमनी फैक्ट्री से धुआं निकलता है वो धुआं भी देखा है तो कानपुर कहीं ना कहीं हानिकारक है। अगर देखा है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है इस पर वर्किंग बिल्कुल नहीं कर, उनका कहना है साफ है कि जो है जो धुआं निकल रहा है धुआं जो है कहीं ना कहीं जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है स्थानीय लोगों की जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ। जो स्थानीय लोग हैं उपेंद्र, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? स्थानीय लोग किस तरह के एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं नगर निगम से? स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि कई बार नगर निगम को जो है उसकी सूचना दी जा चुकी है लिखित तौर पे और क्षेत्रीय विधायक को सूचना दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। और जो जो देखा जाए तो ये बीमारी जो है ये बीमारी लोग क्षेत्रियों को बहुत दिक्कत कर रही है। वहाँ के लोग आसपास जो निकलने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने देखा जाए तो नगर निगम और उसके बाद कानपुर डीएम जो हैं इससे पहले नेहा शर्मा रह चुकी हैं, उनको भी लिखित तौर पर सूचना दे चुकी हैं, उसके बावजूद भी जो कार्रवाई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज प्राइम टीवी खबर के असर के बाद जो है देखा जाए तो वो नगर आयुक्त ने जो है चतुर श्रेणी से कर्मचारियों पर गाज गिराई है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद उपेंद्र। जनपद अमेठी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खनन माफियाओं की खबर चलाना एक पत्रकार को इतना भारी पड़ गया कि स्कॉर्पियो कार सवार खनन माफियाओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार पर ही जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पत्रकार घायल हो गया और घायल पत्रकार को सीएचसी फुर्सतगंज जिला अस्पताल रायबरेली रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले से ही खनन माफिया पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, फिर पुलिस इस घटना को नहीं रोक पाई। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर सामने आई है। घटना ये घटी कि आज दोपहर लगभग 11 बजे में उसराबा बच चौराहे से नहर गोटी की तरफ आ रहा हूँ। रास्ते में भी गेट पड़ता है, उस गेट सामने हमारे मित्र हैं उनका तिवारी, उनकी दुकान ऑफिस था, वहीं मैं जैसे उनका पैसे से पीछे एक स्कॉर्पियो आई, उसमें से एक सोनू सिंह और उनके साथ चार पाँच लोग स्कॉर्पियो में आए और कहीं हम इसमें कुछ बोल पाते तब तक वो लोग उनके टूट पड़े और रोहित गार्ड तमाम हथियार थे और डंडे थे उसे मारना शुरू किया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता वीरेंद्र तिवारी अमेठी से हमारे साथ। वीरेंद्र, कितनी बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की सामने आई है। पहले तो खनन माफिया खनन करते, जब पत्रकार इस खबर को दिखाते तो पत्रकारों पे ही हमला होता है, आखिर पत्रकार कहां से नाकाम रही एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इस घटना को रोकने में? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जहां योगी सरकार गुंडे और माफियाओं पे बुलडोजर चला रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, वही अमेठी जिले से एक पत्रकार की घटना सामने निकल के आई है, जहां पे पत्रकार ने खनन माफियाओं के खिलाफ खबर दिखाने को लेकर और पहले तो उनको गाली गलौज की जाती है पत्रकार के साथ, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन तीन दिन तक पुलिस की कहीं ना कहीं फुर्सतगंज पुलिस की मिला हवाली के चलते गिरफ्तार नहीं किया जाता। उसके बाद आज तीन दिन बाद पत्रकार के साथ फिर से घटना की जाती है। जो पत्रकार है उनकी स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि आज सुबह 11 बजे पत्रकार थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर उनके साथ लाठी डंडों असलहों से लैस होकर स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने
जमकर उनकी बीच रोड पे पिटाई की। फुरसतगंज थाने से जस्ट 50 मीटर की दूरी पे इस घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था। और अभी आपको आपको बता दें कि पत्रकार की अभी स्थिति, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है और उसको अभी रायबरेली जिला रेफर किया गया है। अब पुलिस प्रशासन का उस पर क्या कहना है, किस तरह से एक्शन ले रही है पुलिस प्रशासन उन खनन माफियाओं पर? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जब इस विषय पे कप्तान से बात करने की कोशिश की गई तो उनकी उनके पीआरओ ने बताया कि 6 बजे तक मीटिंग है। उसके बाद सीओ से जब संपर्क करने की कोशिश की गई, उनसे हर बात वार्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि जी FIR दर्ज की गई और उन्हें कार्रवाई की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम निकल रहे हैं। जी इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे वीरेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर अलीगढ़ से है जहां AMU के VC ने अग्निपथ योजना का समर्थन करने पर AMU के लॉ फैकल्टी के छात्र का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं पूरे मामले पर AMU छात्र विकास यादव का कहना है कि अगर यह योजना वास्तव में युवाओं के लिए फायदेमंद है तो इससे प्रधानमंत्री जी क्यों जनता के सामने आकर युवाओं का जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर अब तक सिर्फ सेना के अफसर ही सामने आए हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी तक युवाओं को कोई संबोधन नहीं दिया। आज हमने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार द्वारा युवाओं के ऊपर थोपी गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और AMU की तलवा युवाओं के साथ है और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है। और अग्निपथ स्कीम जब लेकर ये सरकार आई थी तो सरकार अगर इतनी अच्छी स्कीम थी तो सरकार स्कीम लाने के 2 दिन के अंदर ही इसने 3 अमेंडमेंट किए गए। खबर अलीगढ़ से है जहां जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अवैध कोचिंग सेंटर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिले भर के कोचिंग सेंटर पर हो रही कार्यवाही को जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा का बयान सामने आया है। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि जिले भर में कुल 120 संचालित कोचिंग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा कि अवैध कोचिंग सेंटर को लेकर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, बाकी जिन कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई हुई। ये कोचिंग के संबंध में सामान्य तौर पर तो हमारे यहाँ आवेदन पत्र आते हैं, उसके बाद परीक्षण करने के बाद उनको पंजीकरण किया जाता है। तो अभी संयुक्त रूप से एक कमेटी बना करके इसकी जाँच करा रहे हैं, जो भी पंजीकृत हैं उनमें भी उनके मानक दिखवा रहे हैं कि आवश्यक व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है और वो जो कोर्स संचालित कर रहे हैं उनके बारे में और जो पंजीकृत नहीं है उनके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं जिससे कि उनको पंजीकरण उनका कराया जा सके। नई सड़क हिंसा के मामले में SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार बाबा ने हिंसा में हयाज जफर हाशमी का फंडिंग करवाई थी। इसके साथ ही बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा पर कई क्रिमिनल केस भी दर्ज है। मुख्तार के अलावा कई अन्य संदिग्ध भी SIT के रडार पर है, उन पर भी अभी जांच की जा रही है। देखिए अभी हमारी टीम ने मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया है और हमें इस विवेचना के संदर्भ में उनसे ढेर सारी चीजें जाननी है, समझनी है। वी हैव टू क्रॉस एग्जामिन हिम, तो कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही है वो की जाएगी और न्यायालय जैसा हमें परामर्श देगी वैसा हम आगे करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, ये जिस बाबा को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार जिसका नाम सामने आ रहा है इस पूरे हिंसा में, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको जो कानपुर हिंसा मामला था, जफर आसमी जिसका मास्टरमाइंड था पूरे कानपुर हिंसा मामले में, अब वो जो उससे करीबी जो है पूर्व जो सपा नेता था जो नदीम खेसी था उसके जो करीबी थे बाबा मुख्तार बाबा जो है उसके माध्यम से जो है पूरा पैसा जो है इनका ट्रांजेक्शन हुआ था मुख्तार जफर आसमी के अकाउंट में, जिसको लेकर SIT के IPS जो है राहुल मिठास ने जो है एक टीम ने जो मुख्तार बाबा को जो गिरफ्तार किया है। उसके बाद जो है जो इसके साथ जो फंडिंग जो फंड की लिस्ट निकली थी जिसमें जफर का जो ट्रांजेक्शन का मामला था जो MS जौर एसोसिएशन जो उन्होंने बनाया था उसके अकाउंट जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें मैं जो है देखा तो मुख्तार बाबा का जो नाम है वो सामने आया है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद उपेंद्र।
खबर अलीगढ़ से, जहां तेज रफ्तार ने महिला की जान ले ली। बता दें, जात कर लौट रहे श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। वहीं मौके पर घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच में जुट गई। ये लोग यहाँ गांव खेड़ा से जात करके आ रहे थे, तो रास्ते में अज्ञात वाहन से इनका एक्सीडेंट हो गया। अब इनको तो हमने मतलब गिरे हुए अवस्था में पाया था, तो वहाँ से इनको लेके आए हैं। और ये लड़का है और उसकी दादी है और उसकी बीवी है और एक उसका बच्चा है। तो जो दादी हैं वो अभी ख़त्म हो गई हैं यहाँ पर। ये एक्सीडेंट का एक केस आया था, एक्सीडेंट आलमपुर हरदोई रोड पर हुआ था। इसमें चार लोग हमारे पास आए थे। इसमें मोहन देवी वाइफ ऑफ भूदेव 80 साल की उम्र थी, ये मृत अवस्था में हमारे पास लाई गई। बाकी तीन लोग और थे, एक सचिन नाम के वृद्ध थे, 70 साल इनकी उम्र थी जी। उनको सर में चोट ज़्यादा थी तो उनको हमने रेफर कर दिया। बाकी दो का इलाज हमारे यहाँ चल रहा है। खबर कानपुर से है, जहां रेस्टोरेंट की आड़ में धड़ल्ले से नशाखोरी का अड्डा चल रहा है। नाबालिग बच्चों और लड़कियों को 50 ml बार नशा परोस रहा है और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हुक्का में सूखा नशा मिलाकर पिलाने की सुविधा भी युवाओं को दे रहा है। 50 ml बार के अंदर ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे नाबालिग बच्चे नशा का जहर पी रहे हैं। खबर देवरिया से है, जहां जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे के पास एक युवक की डेड बॉडी मिली, जिसके बाद मृतक के बेटे ने पिता के हत्यारे को गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे पिताजी चिमनी पे गए हुए थे, भट्टा पे गए हुए थे, अचानक से कुछ लोगों पब्लिक द्वारा पता चला कि उन्हें मारकर फेंक दिया गया है। वो भी ये हत्या जो हुआ था वो शैलेश द्विवेदी जी के भट्टे के पास में हुआ था, 100-200 मीटर के आसपास में हुआ था, फेंका गया था लास्ट को। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये हत्या जो उनके भट्टे पे किया गया है। अभी हम आए हैं देवरिया पुलिस अधीक्षक के यहाँ, ठीक है, हमें बस न्याय चाहिए। तरकुलवा हम बहुत भाग दौड़ कर लिए लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि पुलिस अधीक्षक से कि हाँ, हमारी विनती है कि हमें न्याय मिले। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मास्टर प्लान 2031 का प्रारूप आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मास्टर प्लान के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर ज्ञापन सौंप दिया और मास्टर प्लान का विरोध किया। मैं सभासद प्रदीप मधु कटियार हूँ, मेरा मोहल्ला है नेकपुर 84। हमारे यहाँ वार्ड नंबर कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 13 मोहल्ला नेकपुर कला का आंसी भागा मोहल्ला पूरे 84 केशव नगर का ग्रीन पार्क में ले लिया है, जो कि आवासीय है और आबादी क्षेत्र है। सारे में मकान बने हुए हैं। 1981 का नक्शा जो उठाया गया है वो पूर्तिया न्याय संगत नहीं है, गलत है। 2022 का अगर सर्वे किया जाए तो यहाँ सारे में भवन बने हुए हैं, बड़ी मात्रा में भवन बने हुए हैं। अगर भवन को देखते हुए, आबादी को देखते हुए इसे आवासीय घोषित किया जाए। खबर कानपुर से, जहां रेलवे प्रशासन की छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। बता दें, जल्दबाजी के चक्कर में कई महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग अपने अपने सामान के साथ रेलवे लाइन पार कर रहे हैं। मौके पर उनको रोकने वाला कोई आरपीएफ या रेलवे कर्मचारी मौजूद नहीं था। अगर मौके पर ट्रेन आ जाती तो कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। ताकि खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।